गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी मुहिम। रक्त बीज के राक्षसों पर सर्जिकल स्ट्राइक। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई 3C मंत्र से चढ़ाई। नशे के खिलाफ जंग जागरूकता के संग। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। युवाओं में नशे की लत और देश में ड्रग माफियाओं के फैले जाल को जड़ से खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी मुहिम जारी है। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। गृह मंत्री की सख्ती का ही असर है कि ऐसे मामलों में एक्शन में 200% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब साफ है, रक्त बीज के राक्षसों का अंत अब नजदीक है। कैसे छोटी सी उम्र में नशे की लत युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये शौक कब लत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। देश में इसी नशे की लत के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। नशे के सौदागरों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इसी हफ्ते देश के कई इलाकों में 12,035 करोड़ रुपए की 9,298 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली मौजूद भी रहे। बीते 9 सालों की बात करें तो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ उसकी लड़ाई में तेजी आई है। ड्रग्स से जुड़े मामलों को दर्ज करने में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी सराहना भी की। आंकड़ों पर गौर करें तो 2006 से 2013 कुल 1250 मामले दर्ज हुए। 2014 से 2023 तक 3700 मामले दर्ज, कुल 200% की वृद्धि दर्ज की गई। 2006 से 13 के 9 साल में कुल 1250 मामले इस देश में रजिस्टर हुए थे और 14 से 23 के 9 साल में 3700 मामले, 3700 मामले रजिस्टर हुए हैं, जो बताता है कि 200% की वृद्धि हम कर पाए। आगे बोलते हुए गृह मंत्री ने बताया कि यूपीए काल में केवल 1360 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार में यह आंकड़ा भी 5650 तक पहुंच गया। नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के प्रति मानवीय पहलू सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी युवा नशीली दवाओं के प्रभाव में न हो। हमारा उद्देश्य देश को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाना है। डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन में काफी अच्छा काम हुआ है, परंतु मैं सभी नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि जब तक रिहैबिलिटेशन को हम नहीं करेंगे और उनके मुक्त होने के बाद उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकती। ये हमारे पुराणों में वर्णित रक्त बीज के राक्षस जैसी लड़ाई है, वो तभी समाप्त हो सकती है कि एक एक रिहैबिलिटेड युवा को हम केयर करें। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ किया कि नशे के बढ़ते कारोबार की कमर तोड़ने के लिए ड्रग्स के इस खेल में शामिल माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाए और किसी भी गिरफ्तार गिरोह की संपत्तियों की जाँच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने 3C का मंत्र देते हुए कहा कि सहयोग और समन्वय से हमें नशे के खिलाफ इस अभियान में सफल हो सकेंगे। हेल्थ, समाज कल्याण विभाग, केमिकल और ड्रग डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट,
और राज्यों के गृह मंत्रालय इस सभी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित आकर काम करते हैं, तभी नशे की संपूर्ण मुक्ति की जो हमारी कल्पना है भारत के लिए, इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलोब्रेशन, ये तीनों चीजों को इस सभी डिपार्टमेंट ने साथ में रहकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही यह भी एक कटु सत्य है कि नशे की लत वालों को पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इससे उनका और उनके परिवार का जीवन बेहद कठिन हो जाता है। इसके लिए एक्शन के साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते, अभिभावकों के मन में जब तक जागरूकता पैदा नहीं करते, मैं नहीं मानता ये लड़ाई हम सफल कर पाएंगे। देश में नशाखोरी की समस्या का समूल नाश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे पीड़ितों के पुनर्वास की बात हो या नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन की बात हो। सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। उम्मीद है कि नशे के विरुद्ध शाह का युद्ध जल्द से जल्द कामयाबी की इबारत लिखेगा। कि जिस तरह से नारकोटिक्स का जो मामला है और खास तौर पर जिस तरह से नशे के सौदागर और नशे के सामानों को जब्ती और उसको भारी मात्रा में उसको नष्ट करने का जो मामला सामने आ रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के कई बड़े ऑपरेशन्स भी होंगे जिसके तहत अलग अलग राज्यों में खास तौर पर जो नशे का कारोबार करते हैं या विदेश से जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ भी एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, NCB हेडक्वार्टर, दिल्ली।